अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिफरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पूरी वीडियो आप कंप्लीट वॉच करिएगा। यहाँ पे दो ऑरेंज ले लिया है मैंने और इसे पील कर लेंगे। साथ में इसमें जो सीड होता है, जो भी बड़े साइज़ के होंगे आसानी से निकल सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे सीड को रिमूव कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दो एग। ये एग जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। और इसमें अब डालेंगे हम 1/4 कप शुगर। आप यहाँ पे पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद इसे हमें स्ट्रेन कर लेना है। तो सारा लिक्विड इसमें हम डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे ताकि जल्दी से स्ट्रेन हो जाए। और इसके जो ऊपर पार्ट मिला है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये हमारा लिक्विड पार्ट है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसमें डालना है हमें 1/3 कप सूजी सेमोलिना, ये डाल देंगे हम। और 1/4 टीस्पून इसमें हमें सॉल्ट डाल देना है, नमक। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से लिक्विड में मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें हमें 1 कप मैदा लेना है। अभी हम हाफ डालते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बैच अच्छे से मिक्स होने के बाद जो बाकी बचा हाफ है वो भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। पिंच ऑफ फूड कलर डालेंगे। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये ऑरेंज फ्लेवर का है तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने कलर बस यूज़ किया है। और इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर एकदम स्मूथ बन गया है, कोई भी लम्स नहीं है इसमें। इसको थोड़ा सा थिक रखा है ताकि हमारा पैनकेक जो बने वो बहुत ही फ्लफ़ी बने। अब एकदम लास्ट में इसमें एक सैशे हम इनो के डालेंगे। इनो हमें बिल्कुल बनाने से पहले डालना है। और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। इसे डालते ही देखिए हमारा बैटर कैसे राइज हो गया है। इससे हमारा पैनकेक जो है बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो बस इसे मिक्स करने के बाद इसे हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन को एकदम लो हीट पे गरम करेंगे। थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद 2 स्पून भर के यहाँ पर हम बैटर डाल देते हैं। इस टाइम फ्लेम एकदम लो होना चाहिए और पैन को जो गरम करना है वो एकदम लो हीट पे ही गरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैन गरम नहीं होना चाहिए। बैटर डालने के बाद अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अगेन बता दे रहे हैं, फ्लेम एकदम आपको लो रखना है। बस 3 मिनट में ही इसे हम खोल के देखते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छे से बबल्स बना है, यानी हमारा पैनकेक एकदम रेडी है। और इसने नीचे पैन को भी छोड़ दिया है। तो बस इसे अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से हम अपनी बाकी पैनकेक्स भी रेडी कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। बस फ्लेम को लो रखना है और इसे कवर कर देना है। तो इसी तरीके से हमने अपने सारे पैनकेक को रेडी कर लिया है, जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। फ्रेंड्स, हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसे आप अपने पसंद के किसी भी फ्रूट्स के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या सॉफ्ट बटर या चॉकलेट डिप के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। बच्चों को भी सॉफ्ट बटर या चॉकलेट डिप्स के साथ बहुत पसंद आएगा। बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारा ये पैनकेक बनके तैयार हुआ है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या किसी भी टाइम आपको भूख लगे तो आप इसे फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं, और जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, तो इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रूट्स या टी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो खूब सारा लाइक करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।